प्रिय से भी ब्लैकमेलिंग कर सकती है या प्रियतमा भी आपकी ब्लैकमेलिंग कर सकती है। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी एक्चुअली नहीं है, घटना है। मेरे क्लिनिक में एक व्यक्ति आया, उसका कुछ बिजनेस था, काफ़ी नर्वस डिप्रेस्ड और जब भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, नींद नहीं आ रही है और बहुत परेशान है। बोले क्या हो गया भाई, आपको तो लगता है कि काफ़ी डिप्रेस्ड हो आप। बोले हाँ डिप्रेस हूँ, इसलिए तो आपके पास मैं आया हूँ। बोला हुआ क्या? बोले नहीं फाइनेंशियल लॉस हो गया। बोले फिर फाइनेंशियल लॉस हो गया तो क्या? तो बोले फाइनेंशियल लॉस हो गया है मगर जिस तरह से हुआ उससे बहुत बड़ा झटका बैठ गया। बोला हुआ क्या? नहीं जाने दो, बोले अभी आप इलाज करो मेरा। बोला नहीं ऐसा है कि जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो अपन जड़ में जाते हैं और जड़ से उसको निकालते हैं कारण को, ताकि आपको ज़िंदगी भर दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर अभी क्या, मैं आपका डिप्रेशन है, आपको मैं दवा दे दूंगा और फिर कल आपको ठीक लगेगा, फिर और कुछ तभी हो जाएगा, फिर आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो हमको ये जड़ से निकालेंगे ना तो आप डिप्रेशन में मतलब कभी जाएंगे नहीं, आप पावरफुल बनेंगे। बताइए क्या बिजनेस में लॉस हुआ? बोले नहीं हुआ क्या? तो उसने जो आप बीती बताई वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक वो जो व्यक्ति था बिजनेसमैन, एक मैरिड लेडी के संपर्क में था। अब बिजनेस है तो काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात होती रहती है, वो कभी एज ए क्लाइंट एज ए कस्टमर मतलब कोई खरीदी करने दुकान पे आए होंगे और वहाँ से उनकी दोस्ती बन गई और वो भी अट्रैक्ट हो गया, ये भी अट्रैक्ट हो गई और वो उसके तरफ जाता रहा घर में। तो जब जब कोई उसका हस्बैंड नहीं है, दोनों रहते थे हस्बैंड वाइफ और बच्चे बड़े हैं, उम्र भी काफ़ी थी 45-50 के अंदाजे होंगे बोले, और बच्चे बड़े हैं तो भी दोनों रहते थे। तो जब भी कभी मौका उसको मिलता था कि भाई हस्बैंड बाहर गाँव गए या तो ये खुद जाके उसके घर में बैठता था, चाय कॉफ़ी पीता था और उनका संबंध आता था। तो जब ये चालू हो गया और उसको ऐसा लगा कि भाई ठीक चल रहा है, मतलब वैसे ही भाई कॉन्टैक्ट आ रहा है और दोनों दोस्त है, दोनों एक दूसरे के प्यार में भी है। हुआ क्या है कि वो लेडी की डिमांड इसके तरफ चालू हो गई, पैसे की डिमांड कि मेरी तो सहेलियाँ ऐसी है, मेरी सहेलियाँ वैसी है, वो तो इतना खरीदी करती है, वो देखो ऐसा करती है, मैं तो मेरा इतना हस्बैंड मतलब इतना तो हम अमीर नहीं है इतने, तो आप मुझे इतना दो ऐसा। तो ये बोला ठीक है, तो ये कभी 1,000-2,000 रुपये उसको दे देता था मगर उसकी डिमांड बढ़ती गई। ये पूरा किस्सा 5-6 महीने का होगा, 5-6 महीने 7 महीने का उसकी डिमांड और बढ़ी। हफ्ते में एक आधी बार, हफ्ते में 2 बार कभी संपर्क आता था, डिमांड बढ़ी तो उसने ठीक है भाई, तो उसका था कि नहीं नहीं अभी मुझे तो अंगूठी होना है या ऐसा प्यार से, तो उसको लगा भी प्यार में अपनी डिमांड करती है तो पूरी। बोले कि मैं आपकी डिमांड ऐसी पूरी नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है नहीं कर सकते तो मगर ये जो आप देते हैं बीच बीच में पैसे वो थोड़े बढ़ा दो क्योंकि मुझे घर भी चलाना होता है। तो उसने पैसे भी देना चालू किया कि कभी गए हफ्ते में एक आधी बार के 2-4 हज़ार रुपये जितना भी उसको खर्चे पाने के लिए दे देना। तो उसको कभी डाउट आता था, उसने बोला कि भाई ये इतना डिमांड कर रही है तो इसके और कहीं संबंध है क्या या और कहीं से तो भी है क्या, मतलब इतना बोल लिया कैसा डिमांड कर सकते हैं। उसको लगा ठीक है भाई ये मतलब घरेलू है मामला सब तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कभी डाउट नहीं आया। और एक दिन फिर उसने उसको बुला लिया, बुलाने के बाद में उसने बोला कि भाई जब आप 3 दिन पहले आए थे तो मेरे हस्बैंड ने कैमरा रखा था बेडरूम में और अपना जो संबंध है उसका पूरा शूटिंग मेरे हस्बैंड ने किया हुआ है और उसने पूरा उसको वीडियो बता दिया। तो व्यक्ति एकदम मतलब बोले कि मुझे तो ऐसा लगा कि भाई अभी पूरा चक्कर आ रहा है, ये पूरा घूम रहा है और ये क्या हुआ क्या, ये कैसे क्या हुआ। उसने बोले कि पूरा ऐसा हो गया, वो उसने हस्बैंड ने मुझे ये बता दिया कि देखो तुम्हारा क्या प्रताप है। तो बोले हस्बैंड कहाँ है? बोले हस्बैंड तो 2 दिन से बहुत ही परेशान है और बोल रहे कि अभी मैं पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ ऐसा वैसा। तो इसने बोला कि भाई उसको बोलो। नहीं बोले वो तो बोल रहे कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ। बोले आप वो करेंगे पुलिस कंप्लेंट मगर आपने कुछ नहीं किया एज ए लेडी तो कुछ नहीं होगा ना। नहीं बोले मुझे तो फिर करने ही पड़ेंगे कंप्लेंट। बोले क्या कंप्लेंट करेंगे कि नहीं भाई आप मेरे घर में घुस गए और आपने बलात्कार किया। तो बोले और सेकंड शॉक मुझे बैठ गया है कि भाई अभी तक सब अच्छा चल रहा था और अभी बोल रहे कि तूने जबरदस्ती मेरे घर में आए, यहाँ घर में आए ना अपने बलात्कार किया, मेरे को तो पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी और फिर आपका तो पूरा खलास हो जाएगा। तो बोले अभी हस्बैंड बाहर गए, मैं बुलाती हूँ और देखो फिर क्या करना है, तो हमको तो पैसा देना पड़ेगा। अब ये बिजनेसमैन है, इसके पूरे बिजनेस में पूरी लागत ही इतनी नहीं होंगी, उतनी डिमांड उसने किया। बोले 50 लाख रुपए होना और 1 रुपये भी कम नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे बोले कि 50 लाख होना है, मैं नहीं बोल रही। तो उसको ये समझ में आया कि ये लेडी ने अपने को ट्रैप में फंसा दिया है। बोले मुझे नहीं होना है, मैं तो अपन तो कर ही रहे, रिश्ता चालू है भाई पिछले 7-8 महीने से, साल भर से होगा जो भी कुछ होगा हो। तो अभी हस्बैंड तो पुलिस कंप्लेंट करने आ रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो उनके साथ में रहना है। बोले फिर आप भी तो है ना, मतलब सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो आप रखती है ना, तो आपका भी नाम खराब हो जाएगा। बोले हमारा हो गया तो चलता है, हम आपका खराब करेंगे।
तो उसको बोले मेरे को शौक बैठ गया कि ये कैसा हो रहा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो बोले कि आप 50 लाख रुपए की व्यवस्था करो। उसका हस्बैंड तब तक आ गया, बोले उन्होंने तो बोला 50 लाख की व्यवस्था करो और नहीं तो फिर आपका तो ऐसी तैसी हम कर डाले। तो 50 लाख कहाँ से लो, मेरे दुकान में पूरा माल ही 50 लाख का नहीं है, मैं पूरा दुकान बेच डालूँ तो 50 लाख मिलेंगे नहीं। बोले वो कुछ पता नहीं है, आप क्या करना देखो। तो अभी तो ये प्रॉब्लम आ गया उसको कि भाई एज ए बिजनेसमैन अपना कितना रिपूटेशन खलास हो जाएगा। बोले आपके घर में प्रॉब्लम आएगा, हमारे घर में तो आया है, बोले प्रॉब्लम अभी मेरे हस्बैंड को तो मालूम हो गया, हमारे घर में तो प्रॉब्लम आया हुआ है, अब आपके भी घर में प्रॉब्लम आ जाएगा, अब देखो क्या करना है। बड़े मुश्किल से उसने उस दिन कहीं से भी इधर उधर से जमा के 5 लाख रुपये दे दिए और बोले आज अभी रुको, मेरे पास में जितने पैसे नहीं, अभी करना है तो करो कंप्लेंट और मैं आपको कभी पैसे ला के दूंगा, अभी आज ये 5 लाख रुपये ले लो। और वो बोले कि उसका बीपी डाउन हो गया, चक्कर आने लगी, वहाँ ऐसा लगा उसको कि अपन गिर जाएंगे। घर पे चले गया वहाँ से, वो बोले मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको 50 लाख तो नहीं, मैं आपको 20 लाख तक का देता हूँ और वो भी मुझे टाइम लगेगा, 20 लाख देना है तो। अब घर में बोल नहीं सकते, किसको बोल नहीं सकते, दुकान में माल ही उतना नहीं है कि पूरा दुकान बेच डालेंगे, दुकान की कीमत भी उतनी नहीं है जो बिजनेसमैन है, मतलब बिजनेस जो कर रहा है वो। अब किसको पैसे मांगना है, तो मांगना कैसे लोगों को, पैसे भी कैसे मांगना है, समझो लोन लेना है तो लोन भी कैसे लेंगे, 20 लाख का लोन कौन देगा और काय के लिए देना है। कहने का मतलब ये है कि उसने इधर उधर से एक्चुअली झूठ बोल के, बिल्कुल झूठ बोल के, रिलेटिव्स के तरफ से, दोस्तों के तरफ से सफ़ेद झूठ बोल के, इतना कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, माँ को कैंसर हुआ है, कुछ कुछ लोग जो दूर के थे उनको तो बोला कि माँ सीरियस है और गुजरने वाली है, तो अभी उसको पैसा लगे, बोला ऐसा जैसा शराबी लोग करते हैं वैसा उसने करके महीने भर के अंदर 20 लाख जमा किया और उनको जमा करके दे दिया, 5 लाख वो और 20 लाख ये, ऐसा 25 लाख देना पड़ा। ये बताने का है कि ये हनी ट्रैप के जो कारनामे हैं वो बहुत चल रहे हैं, अभी लोगों की टोलियाँ ही हैं। एक अकोला में एक ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर के पास में लेडी और जेंट्स गए, डॉक्टर ने कमरे में उनको दोनों को बुलाया, पीछे लेडीज है करके हॉस्पिटल के दो स्टाफ है, लेडीज है पीछे मतलब खड़े हैं वही कमरे में, वो लेडीज को सुला के वो डॉक्टर दपास रहा है और वो जोर से चिल्लाने लगी कि मेरे छाती को हाथ लगा दिया और मेरा विनय भंग किया, और बस बाहर 2-4 लोग और उनके खड़े थे वो भी आ गए, उन्होंने डॉक्टर को पिटाई चालू कर दिया, पुलिस केस हुई। अब पुलिस तो क्या है कि बस उनको कुछ हाथ में मिल गया और मालूम है कि कच्चा दुआ है और डॉक्टर है तो काफ़ी सारा कार्यक्रम हो सकता है, लक्ष्मी दर्शन तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो पुलिस भी फिर इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई कर लेती, बड़े बड़े कलम लगा देंगी। जब वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल की लेडीज उनके साथ में है, वो कमरे में मौजूद है, वो बोल रही है, तो पुलिस उनको बोल रही है कि नहीं तो ये तो आपके स्टाफ है, वो तो आपके तरफ से बात करेंगे, अब लोगों ने करना क्या। तो मुझे ये बताने का है कि इतने सारे ऐसे ये हनी ट्रैप का ही हो गया ना एक तरह का, कि भाई अभी बुलाना, व्हाट्सएप करना, और ऐसे काफ़ी सारे किस्से ऐसे हो गए कि जिन्होंने मतलब लेडीज लोगों ने ऐसे व्हाट्सएप करना है, हाँ हेलो करना है, बुलाने का है, अपने फ़ोटो भेजने का है, और बुला के फिर ऐसी पैसे निकालने का है। ये कार्यक्रम चालू है, सतर्क रहना चाहिए, दिन बहुत बदल गए हैं, लोगों को पैसे के सामने कोई शर्म, लाज, लज्जा कुछ रही नहीं है, पैसा निकालो बस, जैसा भी निकाल सकते वैसा पैसा निकालो, ऐसा लोगों को रहा है और सभी क्षेत्र में हो रहा है। तो बच के रहना बस, और जितनी केयर ले सकते उतनी केयर लेना, यही संभव है। लोग अपने जात के ऊपर गाली गलौज किया करके एट्रोसिटी की कंप्लेंट कर देते हैं, झूठी कंप्लेंट, पुलिस तो तैयार बैठी हुई है कंप्लेंट लेने को और कलम लगाने को, तो इससे बचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लोगों का इसमें एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। पैसे उड़ाना तो बहुत ही कॉमन हो गया है कि भाई आपको फ़ोन आता है, अननोन फोन आता है, आपके खाते में इतने पैसे हम जमा कर रहे हैं, 1000 जमा करेंगे आपको 5000 का लोन सैंक्शन होगा या 1 लाख का लोन सैंक्शन हो गया, आप ऐसा करो कि 100 रुपये भेजो आपका अकाउंट मालूम पड़ेगा, अकाउंट नंबर, और वहाँ से पैसे निकाल लेंगे। वो तो बहुत ही कॉमन हो गया आजकल, अननोन नंबर से बात भी नहीं करना चाहिए वैसे देखा जाए तो, अननोन नंबर को आपके अपने बैंक अकाउंट्स नहीं देना चाहिए, और बैंक का कुछ भी मतलब OTP नहीं, बैंक अकाउंट्स नहीं, कुछ भी नहीं है, और बैंक बार बार बोलती रहती है कि भाई हम बैंक से किसी को फ़ोन नहीं करेंगे, बैंक से किसी को फ़ोन नहीं आएंगे और OTP देखेंगे। तो इस तरह के लोग बहुत जाल में फंसा रहे, फाइनेंशियली बहुत लोग त्रस्त है एक तरह से, फिर अलग अलग नए 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 कारनामे लाते हैं और लोगों से पैसे निकालते रहते हैं। सभी लोगों को ये शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच।